गीता का अब अध्याय एक पढ़ते हैं। राजा जनक की ज्ञान वैराग्य एवं मुक्ति की जिज्ञासा करना। अष्टावक्र का ज्ञानोपदेश। सूत्र एक। जनक उवाच। तो ये यहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है, कथम ज्ञानम व आपनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम चा कथम प्राप्त मेतद ब्रूहि मम प्रभु। तो ये इसके अर्थ दिए हैं, कथम कैसे कैसे ज्ञान को कहो, कैसे ज्ञान को आपनोति प्राप्त होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कथम कैसे मुक्ति भविष्यति कैसे मुक्ति होगी, वैराग्यम वैराग्य चा और वैराग्य कथम कैसे प्राप्तम प्राप्त एतद इसको ब्रूहि कहें, और वैराग्य कैसे प्राप्त हो इसको कहें मुझे हे स्वामी, और कैसे वैराग्य प्राप्त हो इसको मुझे कहें। राजा जनक ने पूछा है, राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति को प्राप्त करने हेतु अष्टावक्र के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हे स्वामी, ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होती है एवं वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार संभव है, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य किस तरह प्राप्त होता है, इस बारे में बता रहे हैं। व्याख्या। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, बाकी सब वैज्ञानिक सिद्धांत या जानकारी हैं। सूचनाएं हैं जो कि बाहरी व्यवहार से प्राप्त होती हैं। यह जड़ चेतनता उस प्रकृति तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी के द्वारा सारे खेल का संचालन हो रहा है। आत्मज्ञान तत्व ही इस सारे संसार का मूल आधार है, जो कि समस्त जड़ चेतना में समाया हुआ है। इस व्यष्टि की चेतना को आत्मा तथा सृष्टि की चेतना को ब्रह्म ईश्वर का नाम दिया है, दोनों एक ही हैं। आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही उस परम पिता को जान लेना है। आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है। इस परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर सभी कुछ जाना हुआ दिखाई प्रतीत होता है, होने लगता है। शास्त्र कहते हैं, यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ लगने लगता है, सारे संसार का रहस्य ज्ञात हो जाता है और जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। शरीर व्यक्ति शरीर मन बुद्धि अहंकार वासना आदि नहीं, बल्कि आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही परम सत्य है और सनातन एवं शाश्वत है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा रूपी परम तत्व को जान लेना है, स्व को जान लेना है। अज्ञानी व्यक्ति प्रकृति को ही जानते हैं, जो कि विशाल है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जबकि ज्ञानी पुरुष परम तत्व को जान लेते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण भी नहीं किया जाता। इस आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को जान लेने से ही होती है मुक्ति। मतलब आत्मा रूपी आत्मा का ज्ञान जब हमें हो जाता है, इस तत्व को जान लेने से ही मुक्ति होती है। इस संसार का मूल तत्व को जान लेने पर सारे संसार का ज्ञान हो जाता है, सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति शांत हो जाता है, वह साक्षी बनकर केवल देखने के समान रह जाता है, जिसके कारण वह सांसारिक बंधनों से स्वतंत्र होकर वह मुक्ति के मार्ग पर निकल जाता है। मुक्ति बिना ज्ञान हुए नहीं होती। जीवन का परम उत्कर्ष ही मुक्ति है, जो प्राणी की अंतिम स्थिति है, परम विकास है, परम उद्देश्य है। आत्मा ज्ञान के लिए वैराग्य त्याग का होना परम आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि प्राणी इस शरीर को ही त्याग दे या उसे त्याग कर कहीं दूर चला जाए, बल्कि उसके प्रति मोह का त्याग करना है। यह संसार बंधन नहीं है, बल्कि इसके प्रति प्राणी की इच्छाओं वासनाओं मोह आदि बंधन है, और इस मोह का मूल आधार है अहंकार। जब व्यक्ति में अपनी निजी स्वार्थ की भावना निहित है, तो प्राणी बंधनों में बंधा हुआ है। संसार और आत्मा दो किनारे हैं, बाहर संसार है और भीतर आत्मा या परमात्मा। दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। प्राणी
दोनों के बीच में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर जाने वाले रास्ते पर जाता है तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार को त्यागना होगा। विषय वासना रूपी संसार को त्याग देना ही वैराग्य है। यह प्राणी के विचार दृष्टि को परिवर्तन करने से ही हो पाएगा। शहर को त्याग कर जंगल में बसेरा कर लेने से नहीं होगा, जब तक उसकी विचार दृष्टि में परिवर्तन ना हो। यदि प्राणी विषय वासना रूपी संसार का त्याग कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। प्राणी के अपने स्वार्थ हित के कारण ही लालच, मोह, वासना आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मानव अपने कर्म जाल में फंस जाता है, और यह जाल वह स्वयं ही अज्ञानता के कारण तैयार कर लेता है, और जिसको केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्ष, परम जिज्ञासु होना भी अति आवश्यक है, नहीं तो देवता भी उसे उपहास रूप में लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक आत्मज्ञान के लिए परम जिज्ञासु हैं। उनके अंदर ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो रही है, और अष्टावक्र महान ज्ञानी हैं। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे ही देने के अधिकारी हैं। जो प्राणी स्वयं ही प्राप्त नहीं कर पाया है वह दूसरों को क्या दे सकता है, बल्कि वह तो व्यक्ति को विचलित कर देता है। वर्तमान समय में ऐसी ही स्थिति है। ज्ञान रहित व्यक्ति ज्ञानी होने का दावा करके प्राणियों में भटकाव उत्पन्न कर रहे हैं। इन अज्ञानियों ने संसार का जितना नुकसान किया है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। यह अज्ञानी प्राणी ही भेदभाव, धर्म, संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं, जिसके फलस्वरूप संसार में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। राजा जनक ज्ञानी गुरु अष्टावक्र से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे होता है। इन 3 प्रश्नों में ही सारे अध्यात्म जगत का निचोड़ समाया हुआ है। प्रत्येक प्राणी मुक्ति की इच्छा तो करता है, परंतु श्रेष्ठ गुरु न होने के कारण वह सब कुछ करते हुए भी आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके मुख्य 3 कारण हैं, स्वयं में जागरूक न होना, स्वयं का पात्र अपात्र होना, और श्रेष्ठ गुरु का उपलब्ध न होना। ये 3 जहाँ पर मिलकर एक हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को संगम त्रिवेणी कहा जा सकता है, और वहाँ पर चेतना अवश्य ही प्रकट होती है। जिज्ञासु राजा जनक की पात्रता का परीक्षण करने के बाद अष्टावक्र ने अपनी पूरी ज्ञान शक्ति के माध्यम से सारा ज्ञान सारभूत रूप में गोलीबंद करके उनके अंदर उलट दिया, और 3 प्रश्नों का उत्तर 3 वाक्यों में देकर समाधान कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप समझाते हैं, क्योंकि वैराग्य की अनुपस्थिति में प्राणी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होता। यह प्रथम शर्त है।